प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच जहां त्राही माम की स्थिति है, वही सरकार के खोखले दावे लगातार होते जा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार दावे कर रहे हैं कि ऑक्सीजन का अब अभाव बिल्कुल खत्म हो गया है, पूरी व्यवस्था मुकम्मल कर दी गई है। वहीं इन तमाम दावों के बीच दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के औषधि विभाग के विभागाध्यक्ष ने अपने प्राचार्य से एक पत्र के माध्यम से गुहार लगाई है कि मुझे विभागाध्यक्ष के पद से त्वरित कार्रवाई करते हुए पदमुक्त कर दी जाए, क्योंकि दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मुकम्मल व्यवस्था नहीं है, संसाधनों का घोर अभाव है। इस घोर अभाव के बीच हम मरीजों की जान बचाने में बिल्कुल अक्षम साबित हो रहे हैं। यह बेहद दुर्भाग्य की खबर है और बेहद चिंता का विषय है। लगातार प्रदेश में सैकड़ों जाने जा रही हैं, वहीं नीतीश कुमार जी प्रदेशवासियों के ध्यान को भटकाने के लिए कल बिहार में बाढ़ और सुखाड़ की चिंता करना प्राथमिकता का विषय बना लिया। बेहद चिंताजनक स्थिति है। एक तरफ लोग मर रहे हैं कोरोना से और आप अभी बाढ़ और सुखाड़ पे बात कर रहे हैं। बिहार के तमाम अस्पतालों में अभी ऑक्सीजन का अभाव है, आप जितना भी पेट थपथपा लीजिए, लेकिन यही सच है, सच से आप मुकर नहीं सकते। तमाम बिहारवासी त्राहिमाम की स्थिति में है, तमाम जाने रोज जा रही हैं और मुख्यमंत्री जी इतना संवेदनशील हैं कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज ऐसे बड़े अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की व्यवस्था कराने में अक्षम सिद्ध हो रहे हैं। एक विभागाध्यक्ष जब यह बात कहता हो कि संसाधनों के घोर अभाव के बीच हम समुचित व्यवस्था करने में अक्षम साबित हो रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा सवाल है प्रदेश के मुखिया पर और राज्य के स्वास्थ्य विभाग पर। मुख्यमंत्री जी, अभी भी वक्त है, बचा लीजिए बिहारवासियों को, नहीं तो बिहारवासी कतई आपको माफ नहीं करेंगे। इन मौतों का जिम्मेवारी अवश्य तय करेंगे।